50 के हुए अखिलेश, सपाइयों ने अनोखे अंदाज में मनाया जन्मदिन। फ्री में टमाटर बांटकर साध लिया एक तीर से दो निशाना। फ्री में टमाटर लेने के लिए लग गई लोगों की भारी भीड़। आगरा में टमाटर अब राजनीति का हिस्सा हो गया है। आगरा में महंगाई का विरोध करते हुए जहां पिछले दिनों कांग्रेसी टमाटर खरीदने के लिए लोन लेने बैंक पहुंच गए, वहीं उससे दो कदम आगे अब सपाइयों ने गरीबों के बीच टमाटर बांट दिए। सपा नेता विनय अग्रवाल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के जन्मदिन को कुछ विशेष अंदाज में मनाया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव के जन्मदिन पर गरीबों को टमाटर के पैकेट बांटे। एक तीर से दो निशाने साधते हुए सपा नेताओं ने इस बात का भी वादा किया कि प्रदेश में सपा सरकार आने पर रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमत का ध्यान रखा जाएगा। शाम 5 बजे आवास विकास सेक्टर 13 में जमा हुए सपा नेताओं ने निःशुल्क स्टॉल लगाया, जहां आधा आधा किलो टमाटर के पैकेट फ्री बांटे गए। जानकारी होते ही झुग्गी झोपड़ियों के लोग फ्री में टमाटर लेने के लिए पहुंचने लगे। जैसे ही सपाइयों ने फ्री टमाटर पॉलिथीन में रख कर बैठे लोगों की भीड़ लग गई। बड़ी संख्या में लोगों ने फ्री में टमाटर लिए। विनय अग्रवाल ने आटे पर GST व महंगाई के मुद्दे को उछालते हुए कहा कि गरीब जनता का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। रोजमर्रा की आवश्यक चीज़ों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। टमाटर के भाव 150 रुपये के पार हो चुके हैं। दाल आटा की कीमतों में भी लगातार वृद्धि हो रही है। गरीब परिवारों में, झुग्गी झोपड़ियों में टमाटर बांट कर उनका जन्मदिन मनाया है, क्योंकि टमाटर 150 रुपए किलो हो गया है। और इस महंगाई की मार इस भाजपा सरकार में हर एक व्यक्ति झेल रहा है, चाहे सरसों का तेल हो, पेट्रोल हो, डीजल हो या पढ़ाई की सामग्री हो।